नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं और इन बीते दो सालों में सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं लोगों के विकास के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक लागू भी किया है। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम बात करेंगे दो स्कीमों की। पहली है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत करोड़ों बैंक खाते खोले गए हैं, और दूसरी योजना है मनरेगा, जिसके तहत लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इन दोनों योजनाओं की पड़ताल करने हम आए हैं मुरादनगर के अबूपुर गाँव में। तो आइए चलते हैं गाँव में और जानते हैं इन दोनों योजनाओं का हाल। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग दो घंटे की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव अबूपुर। गांव की कुल आबादी 5400 के आसपास है। यहां के लोगों के आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। धान, गेहूं और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ के ग्रामीण स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक दिखे। पक्की सड़कें और नालियों का निर्माण पूरे गांव में हुआ था। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का विस्तार हुआ है, इस बात का सहज अंदाजा लग गया गांव में घुसते ही एक बैंक को देखकर। गांव में घुसते ही टीम ने सबसे पहले रुख किया यहाँ की चौपाल का, जहाँ लोगों को जनधन योजना की जानकारी दी जा रही थी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा सुलभ हो, साथ ही हर परिवार के पास हो कम से कम एक बैंक खाता, इसके लिए जनधन योजना की शुरुआत की गई। जनधन योजना के शुरू होते ही लगभग बैंकों में 1.5 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। ऐसा क्या है इस योजना में खास जो लोगों को इतनी तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये जानने के लिए हम आए हैं अबूपुर गांव की चौपाल पर, जहां पे मौजूद हैं एक बैंक अधिकारी जो लोगों को इस योजना की जानकारी दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस योजना के बारे में। 15 अगस्त 2014 को इस योजना के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था। लाल किले के प्राचीर से इस बारे में बताया गया था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया था कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके आज तक कोई भी बैंक खाते ना हो, उनके लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत करने जा रही है। 28 अगस्त 2014 को ये योजना कार्यान्वयन में लाई गई। जनधन योजना में आपके बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। इसमें भारत सरकार का ध्येय यही था, उनकी महत्वाकांक्षा ये है कि हर एक घर में कम से कम एक पर्सन के पास, एक व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। उनमें फाइनेंशियल या वित्तीय समावेशन का एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वित्तीय समावेशन। गांव या किसी भी समाज के पिछड़े से पिछड़े वर्ग और गांव के हर एक लोग जब इस योजना में आते हैं, उनको इस तरह से सुविधा प्रोवाइड की जाती है बैंक के थ्रू कि बिना किसी इनिशियल डिपॉजिट के या बिना किसी मिनिमम डिपॉजिट के वो लोग अपना खाता खोल सकें, उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जो एक जनरल खाताधारी को मिलते हैं, उन्हें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ना करना पड़े। इसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का आगाज किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना में सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है खाता खोलने के लिए, वो आपका आधार कार्ड होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इशू किए गए किसी भी पहचान पत्र के थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों के पास कोई भी आईडी कार्ड ना हो, वो लोग भी अपना खाता खोल सकते हैं, लेकिन उन्हें एक साल के अंदर अपना खाता अपने नए आईडी के साथ अपडेट करवाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जितने भी खाते ओपन होते हैं उनमें आपको फ्री एटीएम कार्ड, इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा और जो भी सुविधा आप चाहते हैं वो सुविधा मिलेंगी। इसके बाद आप अगर चेकबुक की सुविधा चाहते हैं, वो चेकबुक की सुविधा भी उसमें मिलेगी। इसके अलावा इसमें प्रावधान किया गया कि जो भी लोग इसमें खाता खुलवाते हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये इंश्योरेंस तभी वैलिड होगा जब आपके पास वो रुपए कार्ड होंगे। ये जो भी एक लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये रुपए कार्ड कंपनी की तरफ से दिया गया है। रुपए कार्ड भी एक महत्वाकांक्षी योजना ही है, श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना में से ये भी है। ये पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया कार्ड है।
NPCI ये कंपनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन लोगों ने ये कार्ड बनाया है, ये पेमेंट गेटवे सिस्टम है। और इसमें जितने भी कार्ड धारक लोग होंगे, अगर वो नियमित रूप से इस कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उन्हें 1 लाख रुपये तक का मिलता है। इसके अलावा जितने भी जनधन में खाते खोले जाते हैं, उससे 30,000 रुपये का एक, किसी भी कारण से अगर उनकी मृत्यु होती है, खाता धारक की किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है, तो 30,000 रुपये का उन्हें इंश्योरेंस कवर मिलता है। सब्जेक्ट क्या है उसमें, ये नियम क्या है, शर्तें क्या हैं, उनका एज 18 से 59 साल तक का होना चाहिए और वो परिवार के प्रधान व्यक्ति होने चाहिए, प्रधान व्यक्ति या अर्निंग मेंबर। परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही ये बेनिफिट मिलेगा। और प्रायः देखा जाता है कि जागरूकता न होने के कारण बहुत सारे लोग ये कार्ड यूज़ नहीं करते हैं या अपना जनधन खाता नहीं चला पा रहे हैं, तो ये आपके इंश्योरेंस में प्रॉब्लम होगी आप में। तो ये सारी चीज़ें जनधन योजना की मुख्य बातें हैं। इसके अलावा जनधन योजना में एक और चीज़ उन्होंने नई स्कीम को ऐड किया था, PMJDY OD स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना OD स्कीम। इस योजना के अंतर्गत आप जो भी अकाउंट होल्डर हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो भी अकाउंट होल्डर हैं, उन्हें 5,000 रुपये तक की OD मिलेगी। OD ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं उस खाते से, और उस पर जो आपको इंटरेस्ट होगा वो किसी भी बैंक के बेस रेट, पहले बेस रेट चलता था, उस बेस रेट से 2% ज़्यादा लगेगा आपको। ये सारी स्कीम्स और सारी सोच बस इस चीज़ को पूरी करने के लिए है कि जो परिवार है उसे कभी आकस्मिक ज़रूरत पड़े तो किसी साहूकार के पास न जाना पड़े और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो ये सारी स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। एक सवाल मेरा भी था आपसे कि जनधन योजना शुरू कर दी गई, लोग इसे अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर अपने खाते भी खुलवा रहे हैं, लेकिन क्या ये खाते खुलवाने तक ही सीमित है या लोगों को सच में इसका लाभ मिल रहा है? गवर्नमेंट या सरकार कोई भी हो, वो बहुत सारी योजनाएं लाती है, हम कितने जागरूक हैं इस योजना के प्रति, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। भारत सरकार के इनिशिएटिव पे, भारत सरकार की शुरुआत पे बैंकों ने बहुत सारे खाते ओपन किए, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे खाते लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। उन्हें एक मिसकंसेप्शन है या उनकी एक भ्रांति है कि ये खाते में 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, स्वतः आ जाएंगे ये 5,000 रुपये। लेकिन इस ये 5,000 रुपये का लाभ आपको तभी मिलेगा या वो इंश्योरेंस का लाभ तभी मिलेगा जब आप इस खाते को यूज़ करेंगे, जब आपके गैस की सब्सिडी उस खाते में आएगी। इंश्योरेंस के फैसिलिटी तो तब भी आपको मिलेगी जब आप उस खाते को यूज़ कर रहे हैं। आप में अगर बचत की भावना ना जागेगी तो सरकार की ये योजना विफल रहेगी। सरकार अभी भी कोशिश कर रही है और बैंकों के माध्यम से भी ये कोशिश की जा रही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आए, लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि ये स्कीम्स जो हैं उनके बेनिफिट्स के लिए है, उनके लाभ के लिए है, और उन्हें इन खातों को यूज़ करना होगा। आस्था के सागर में हो जाए सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाए अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। अबूपुर के चौपाल पर अभी हमने जानकारी ली प्रधानमंत्री जनधन योजना की, इसके साथ ही हमने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। अब आइए हम चलते हैं लोगों के पास और इनसे जानते हैं कि कैसी लगी इनको ये योजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित जनधन योजना मैंने TV एड में देखी, न्यूज़पेपर में देखी। हालांकि मैं भी एक लाभार्थी हूं और मेरा भी 0 बैलेंस पे एक अकाउंट है और जनधन योजना का लाभ मैं भी ले रहा हूं। सबसे मुझे तो ये योजना इतनी अच्छी लगी
कि इसमें हर किसी को अपना जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जब पहले अकाउंट खुलवाते थे किसी भी बैंक पे, हमें दो इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ती थी, और अभी अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। और जितनी भी सब्सिडी है, जैसे गैस सब्सिडी है, खाद सब्सिडी है, या कोई जैसे हम किसान हैं, किसान के लिए कोई ओलावृष्टि होती है या अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, खाद सब्सिडी सीधे हमारे अकाउंट में आती है, बल्कि किसी बिचौलिए को इसका लाभ नहीं मिलता, सीधे सीधे लाभार्थी को इसका लाभ मिलता है। जो पहले गैस पर ब्लैक मार्केटिंग होती थी, हमारा लाभ किसी दूसरे खाते में जाता था, वो सभी इस तरह के ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई है और सीधे का सीधा लाभ लाभार्थी को हो रहा है। ये योजनाएं खाता धारक को, मैं भी एक लाभार्थी हूँ, मुझे भी सेविंग की आदत बन गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अकाउंट खुलवाने के लिए दो इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत होती थी, अब जीरो बैलेंस पर किसी भी इंट्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं होती। सीधे सीधे अगर हमारा आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से हम ये अकाउंट खुलवा सकते हैं कहीं भी, किसी भी बैंक में। और ये योजनाएँ हमारे लिए सभी के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को इसकी सही सही जानकारी है और नहीं भी है तो उसको इसकी जानकारी के साथ अपना अकाउंट खुलवा लेना चाहिए जीरो बैलेंस पर। हमारे गांव में, अबूपुर गांव में तो SBH बैंक की सुविधा है, और SBH बैंक ने बहुत सारे अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलवाए हैं जो जनधन बीमा योजना के अंतर्गत हैं। भाई, इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई जनधन योजना एक गरीब परिवार के लिए कि सभी के लिए ये बहुत अच्छी योजना है, जिसका लाभ सभी लाभार्थी उठा सकते हैं। और इन सभी योजनाओं का प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और ये योजनाएं सभी हिंदुस्तानवासियों के लिए, हमारे लिए भी हमेशा लाभकारी रहेंगी और आगे भी लाभ देती रहेंगी। जितनी योजना है प्रधानमंत्री जी की, सब बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जो निजी जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, सीधा उसके खाते में पैसा जाएगा, किसी बिचौलिया की इसमें ज़रूरत नहीं, ना किसी गारंटर की ज़रूरत है, सीधा सीधा डायरेक्ट जाओ बैंक में, जीरो पे अपना खाता खुलवाओ और अपना उन योजनाओं का लाभ लो। 12 रुपये में साल भर के लिए 350 रुपये का बीमा, वो अलग से बड़ा है, वो 350 रुपये भी साल भर में कोई ज़्यादा नहीं है, 5-5, 7-7 हज़ार की किस्तें लोग दे रहे हैं, लेकिन अब किसान को बहुत दिक्कत हो रही है, वे नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने सब चीज़ सोच के, जब ये छोटे छोटे हिसाब से, छोटे छोटे पैसे से ये सबके लिए लाभ के लिए काम किया है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी की नई नई योजना जो आ रही हैं, ये गांव और गरीब और छोटे बड़े किसान मजदूर सभी भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जन धन योजना का मुझे चैनलों द्वारा, पेपरों द्वारा पता चला, पढ़कर मुझे बहुत अच्छी लगी ये योजना। गांव में इसका प्रचार किया गया, गांव में खाते भी खोले गए, और बोला जी आगे मीटिंग करा देंगे, कराई जा रही है, बताया जा रहा है बैंकों के जरिए। ये अच्छी योजना है, गांव को फ़ायदा है, जनता को फ़ायदा है इसका। जिनके पास खाते नहीं थे पैसों से खुलवाने के लिए, वो फ्री खोले गए। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार रोजाना शाम 7 बजे। जनधन योजना को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं और बीते 2 सालों में लगभग 21 करोड़ से ज्यादा खाता खोल लिए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। इस समय हम खड़े हैं अबूपुर गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ ऐसे गांव वाले जिन्होंने जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए हैं। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि ऐसा क्या था इस योजना में जिसने इनको आकर्षित किया। तो ऐसा क्या था इस योजना में जिसने आपको इतना आकर्षित किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना का शुरुआत की थी, और उसी से उन्होंने बताया था कि इस योजना में बहुत ज़्यादा फायदा है, लोगों के बैंक खाते खुलेंगे, महिलाओं को फायदा होगा सबसे ज़्यादा, उनके बैंक खाते खुलेंगे, इसमें सब्सिडी जो आएगी वो सभी के बैंक खातों में आएगी आधार के अनुसार, आधार कार्ड से।
तो मैंने इस गांव के में जो बैंक खोला था, तो जब ये नया बैंक खुला था उसी समय क्या नाम है इसमें खाता खुलवाया था, लेकिन जब ये योजना चली थी उसमें फिर मैंने क्या नाम है इसको लिंक करवाया, उसमें अपने आधार कार्ड को इसमें लिंक करवाया और जनधन योजना के अनुसार मेरी सब्सिडी आ रही है गैस की, और आगे मैं किसान हूँ मेरी सब्सिडी फिर आगे खाद की भी आएगी और भी कोई योजना जिस तरीके से सब्सिडी आएगी वो हमें प्राप्त होगी। और ये सुविधा ये योजना सबसे बढ़िया योजना है जिसमें हर आम आदमी को वो सब्सिडी मिलेगी, इसमें कोई भी इस पैसे को नहीं खा सकता, जो व्यक्ति जिसकी सब्सिडी है उसी को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। अगर हम किसानों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए ये जो जनधन योजना है ये कैसे कारगर सिद्ध होगी? ये कारगर सब तब होगी सिद्ध जब क्या नाम है किसानों का जो पैसा है वो सब्सिडी के तौर पर किसानों के इस खाते में आएगा, यदि खाते में नहीं आएगा तो फिर किसान नुकसान होएगा उसको, लेकिन इस योजना से किसानों के खाते में आएगा, आधार के अनुसार आएगा और जो गरीब किसान है बेचारा उसको मिलेगा वो पैसा, महिला है महिला किसान भी है उसको मिलेगा, तो सभी को फायदा होगा उसमें। तो आपको लगता है कि योजना बहुत ही अच्छी योजना सबसे अच्छी है, मैं इसको सबसे बढ़िया योजना मानता हूँ, इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं खा सकता, इसमें जिसका जिसको सब्सिडी मिलेगी उसी को मिलेगी, जो लायक है उसको मिलेगी, बीच में कोई पैसा नहीं खा सकता इसमें। हमारे साथ एक और ग्रामवासी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या देखा इस योजना में कि अपना अकाउंट खुलवाया जनधन योजना के बारे में। आप आगे आ जाइए जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं हेमराज शर्मा, पूर्व प्रधान ग्राम ओर। इस योजना के अंदर मैंने ये देखा, जैसे कि ये रहा गैस में ही, आज मेरी किताब है ये रही, इसमें जो पैसा आया सब्सिडी का गैस का ये आया, हर उसमें अलग आता रहा है, और किसानों के लिए तो अभी कोई ऐसा नहीं आया किसानों पर तो भाई कोई सब्सिडी आई हो, ये बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन जब ये किसानों को तो अभी कोई से मिला ही नहीं है, और जब आएगी किसान ही बड़ा खुशी होगा, हर गरीब किसान इसकी तरफ आँख पाड़े देख रहा कि हमें कुछ सब्सिडी मिले हमें कुछ सहायता मिले, लेकिन अभी कोई किसानों के लिए तो आया नहीं है। वैसे जो है हमारी बहन बेटी भैयाओं ने जो खाते खुलवाए हैं उन्हें सब्सिडी मिल रही है, जो गैस की राशन की इनकी तो मिल रही है, लेकिन किसान को अभी कोई सब्सिडी नहीं मिली है। आपको इस योजना के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिला था 2014 में कि भी ये जीरो बैलेंस में खाता खुलवाएं, सभी को बेनिफिट मिलेगा, बहन बेटी सबको सबको इसका फल मिलेगा, तो हमने सभी ने अपने उसमें करके सभी को जोर देकर ये खाते खुलवाए हैं, आधार कार्ड के बतौर आधार कार्ड मांगे और किसी का उन्होंने कुछ नहीं मांगा, आधार कार्ड लेके खाता खोल दिया, कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि योजना भविष्य में बहुत कामयाब होगी? देखो जी, इस टाइम तो जो सब्सिडी मिल रही है गैस वगैरह कामयाब है, लेकिन आगे कामयाब क्या पता पड़े, जब हमें किसानों को सब्सिडी मिलेगी जब पता पड़ेगा, अभी तो किसी भी किसान को सब्सिडी नहीं मिली है किसी को, वैसे सब्सिडी गैस की वो जो है ये सब मिल रही है हमारे खातों में, बहनों के भी किसानों के आ रही हैं, लेकिन वो किसानों को नहीं है अब तक मिली। जैसे तो ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने हमसे बात करी जनधन योजना के बारे में। आगे हम गांव में और बढ़ते हैं और आगे भी लोगों से हम बात करेंगे इस योजना के बारे में। गांव में दूसरी योजना जो क्रियान्वित हो रही थी वो थी मनरेगा। बीते 2 सालों में मनरेगा के तहत गांव में काफी विकास के काम हुए हैं, जैसे सड़कों, खड़ंजों, नालियों और पुलियों के निर्माण कार्य का। पिछले 2 वर्षों में हुए डिजिटलाइजेशन से मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की मजदूरी अब सीधे उनके बैंक खातों में आती है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। योजना की और जानकारी दी यहाँ के सचिव ने। सरकार ने ग्राम में ग्राम के विकास के लिए योजनाएं तो बहुत ही बना रखी हैं, और उसमें एक मुख्य योजना है मनरेगा। मनरेगा में आपको बताऊं कि मनरेगा की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार ने यह महसूस किया मजदूरी करके करने के लिए अपने शहर से गांव से बाहर जाते हैं और वहां पे रह करके दूर अपने घर से भी दूर चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये समझा कि महसूस किया कि उनको अपने दूर ना जा करके अपने ही गांव में रोज़गार दिया जाए। इस योजना में उन्होंने के अंतर्गत उन्होंने मनरेगा की स्थापना की, और मनरेगा में पैसे की धन की कोई भी लिमिट नहीं है
कि गांव के विकास के लिए आप कितना भी चाहें पैसा गवर्नमेंट से ले सकते हैं। सिर पे छत के साथ साथ मेहनत करके अपने गांव के लिए सुविधा और अपने लिए पैसा कमाने में भारत सरकार की मनरेगा योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे साथ इस समय अबूपुर गांव के कुछ लोग खड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनरेगा योजना अपने उद्देश्य को पाने में कितना सफल हो रही है। आइए चलते हैं इनके पास। भारत सरकार द्वारा चला रही जा रही है मनरेगा योजना काफ़ी हद तक सफल रही है, क्योंकि इसमें गांव के जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन्हें गांव में ही रहकर अपना जो रोजगार मिल जाता है, 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलता है और इसमें रह इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो विस्थापन होता है वो रुक गया है, तो और इसकी वजह से ये लोग अपने परिवार में ही रहते हैं। अगर बाहर जाके नौकरी करते हैं तो इनका आने जाने में समय व्यतीत होता है और विस्थापन करना पड़ता है, क्योंकि रोजगार काफ़ी जगह नहीं मिल पाता है, वह काफ़ी दूर मिलता है। अब इस योजना के कारण ये लोग अपने गांव में ही रह रहे हैं तथा यहाँ पे ही अपना परिवार के साथ है और अपना पैसा कमा रहे हैं, तो कुछ हद तक बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी रुक रही है और जो विस्थापन है वो भी रुक रहा है। तो मैं जो समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी योजना है, इसे आगे भी बढ़ाना चाहिए तथा जो 100 दिन का रोजगार है इसे आगे और कंटिन्यू 200-300 दिन में भी तब्दील करना चाहिए। ये तो हो गई बेरोजगारी की बात, लेकिन अगर हम बात करें कि गांव के विकास की, तो उसमें मनरेगा योजना का कितना हाथ है? गांव के विकास में ये लोग भी अपने भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि बाहर जाके ये लोग 8 घंटे काम करते हैं अपना गांव समझ कर, ये उसमें 9 घंटे या 10 घंटे भी काम कर लेते हैं कि हमारा ही गाँव है, हमारा ही विकास हो रहा है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। ये तो हो गए हमारे ग्रामवासी, आइए हम दूसरे के पास चलते हैं। ये मनरेगा योजना के तहत ही काम कर रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके जिंदगी में मनरेगा योजना ने किस तरह से सुधार लाया है। मेरा नाम ब्रह्मपाल है, मैं गांव का मूल वासी हूं और जब से मेरे पता मनरेगा योजना के बारे में चला है तो मैं प्रधान जी के पास गया। मैंने प्रधान जी से बातचीत की, प्रधान जी से मैंने काम धंधा मांगा, प्रधान जी मुझे काम दे दीजिए, तो तब से मेरे परिवार का गुजारा हो रहा है और मैं बहुत खुशहाल हूँ। तो काम मांगने के कितने दिन बाद आपको काम मिला? काम मिलने के बाद 4-5 दिन के लगभग करीब मिल गया था मेरे को काम मांगने के बाद। उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले तो मैं बाहर दूर दूर जाता था, कभी मिल जाता था कभी नहीं मिलता था, तो 12-12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो यहाँ गाँव में जो अपना 8 घंटे की ड्यूटी पे जब हम 10 घंटे भी कर देंगे तो अपने गाँव में ही हैं, अपने परिवार में और अपने तीज त्यौहार पर अपने घर में ही रहते हैं, हमें बहुत खुशी है। तो आपको क्या लगता है कि मनरेगा योजना आपके गांव के विकास में कैसे योगदान दे रही है? हमारे गांव में जैसे खड़ंजे हैं, नालियां हैं और सड़कें हैं, प्रधान जी के थ्रू जो कार्य चल रहा है उसकी देखरेख के लिए या काम करवाने के लिए हम सबसे आगे चलते हैं और हम बड़े खुश हैं जो हमारे प्रधान जी ने ये काम करवाया है या प्रधानमंत्री की योजना मिल रही है, उससे हमें बहुत फायदा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो इस योजना के बारे में जानते हैं और ये हमें बताना चाहते हैं कि आखिर ये योजना कैसी है। जी आप अपना नाम बताएं। मोनू। आपको इस योजना के बारे में कहां से जानकारी? गांव में से मिली। आप क्या जानते हैं इस योजना के बारे में? हमें इतने पता है कि हमें गाँव में बहुत रोजगार मिलती है अपने प्रधान जी से, मतलब बाहर पहले प्रधान जी के बाहर जाते थे हम तो वहाँ पे दूर जाना पड़ता था, अब हमारे यहाँ पे प्रधान जी यहाँ पे हैं तो अब कहीं नहीं जाना पड़ता, अपने गांव में बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है कि ये योजना कैसी है, अच्छी है या क्या है? अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। मैं तो किस लिहाज से अच्छी लगती है कि गांव का विकास भी हो रहा है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, किस लिहाज से अच्छी है? रोजगार को गाँव को भी रोजगार मिलता है, काम बढ़िया चलता है, उसमें वो नहीं होता। हमारे साथ एक और युवक हैं जिनका नाम है साहिल, ये 7वीं पास है और इनको मनरेगा योजना के तहत ही रोजगार मिला है। तो आइए अब इनसे बात करते हैं कि आखिर मनरेगा योजना ने इनकी जिंदगी में कैसे खुशहाली के रंग घोले हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी मेरा नाम है साहिल, हमें बहुत कुछ हुई प्रधान जी का ऑर्डर से काम मिला है, हमें दूर जाना पड़ता था, बहुत दूर किराया भाड़ा वही मान लेता है, हमें घर में कोई करने धरने वाला नहीं है, इस मारो हमने ये काम किया। तो फिलहाल आप कौन सा काम कर रहे हैं इस योजना से जुड़कर? जी सिर्फ यही कर रहे हैं, अब तो प्रधान जी की वजह से ही मिला है हमें काम। हम तो कितनी आपको मेहनताना आपको कितना मिलता है एक दिन में? जी 158 रुपये मिलते हैं। 158 रुपये में आपका काम काज घर का जो खर्चा है वो चल जाता है? जी घर में एक और छोटा भाई, उसे वो कर लेता है। और आपके घर में और कौन कौन है? जी मैं, पापा है और एक छोटा भाई है।
तो आपके घर का जो खर्चा है वो चल जाता है जी? कर लेते हैं थोड़ा बहुत करवा करा के कहीं ना कहीं से। और आप क्या चाहते हैं जी? हम ये चाहते हैं बस हमारी सुविधा थोड़ी सी बढ़िया हो जाए, हमें और पैसे देने बढ़ जाते हैं। बस 58 रुपये में काम होता है जी, धूप हो रही है इतनी। तो ये हमारे साथ कुछ गांव के लोग थे जो हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे मनरेगा योजना के बारे में। ये थी एक कोशिश, एक पड़ताल की कि गांव के विकास के लिए जो भी योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, क्या उसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं। आज के कार्यक्रम में हमने बात करी प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ साथ मनरेगा योजना की। यहां के लोगों का मानना है कि ये दोनों ही योजनाएं बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और गाँव के विकास में अपना अहम योगदान दे रही हैं। अगले चौपाल चर्चा कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और गाँव के विकास की कहानी के साथ साथ किसी और योजना के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।